सबसे पहले हम इस तरह से 20 mm रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एंगल है सभी लाइन के बीच का 45 डिग्री हम रखेंगे। अब यहाँ से हम ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ हम पाई इंटू डायामीटर जितनी रखेंगे। सर्कल की रेडियस 20 है, यानी कि ये लाइन की लेंथ हम 2πr पेरीफेरी जेड को डिवाइड करेंगे। यहाँ ये सभी डिवीज़न की लेंथ सेम लेंथ हम रखेंगे, 40 × π/8। इतनी लेंथ हम रखे के 1 2 3 4 5 अप टू 8 नंबर मार्क करेंगे। यहाँ सर्कल को हम इस तरह से नंबर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सभी पॉइंट में से हम पास होती हुई इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। वन में से परपेंडिकुलर लाइन टू, उसके लिए हम 0 से 1 जितनी रेडियस रखेंगे और 1 को सेंटर रख के इतनी आर्क लेंगे, हमें P1.1 में से पास होती हुई लाइन पे मिलेगा। टू में से परपेंडिकुलर लाइन, उसकी लेंथ हम 0 2 जितनी रखना चाहते हैं, 0 2 रेडियस लेके 2 को सेंटर रख के हम आर्क लेंगे। इस तरह थ्री में से हम यहाँ जो लाइन है 3 की लाइन, उसको परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। अब हम 0 3 जितनी रेडियस रखेंगे, 0 3 रेडियस, 3 को सेंटर रख के ये जो लाइन है उसकी लेंथ हम 0 P3 पॉइंट मिलेगा, उसकी लेंथ 0 3 जितनी है। यहाँ ये लाइन की लेंथ 0 4 जितनी हमने रखी है, इतनी लेंथ लेके हम इस तरह आर्क लेंगे। यहाँ अब हम 5 में से परपेंडिकुलर लाइन और उसकी लेंथ 0 से 5 तक हम रखेंगे, इतनी लेंथ, और 5 में से इस तरह आर्क लेके यहाँ हम 5 नंबर का पॉइंट मार्क कर सकते हैं, P5 पॉइंट। सिमिलर वे P6 पॉइंट हम यहाँ मार्क करेंगे, उसकी लेंथ 0 से 6 तक, P7 0 से 7 तक एंड P8 0 से 8 तक लेके P8 पॉइंट मार्क करेंगे। 0 7 लेंथ, ये लेंथ के लिए हम इतनी लेंथ रख सकते हैं, ड्रॉ करेंगे। 0 P1 P2, ये सभी पॉइंट में से पास होता हुआ इस तरह स्मूथ कर्वेचर से हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ये जो शेप है उसको हम इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल कहेंगे। इस तरह से हमें सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।